क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आप फील करते हैं कि क्लाइंट्स जो आपके पास आते हैं या जो आप अपनी गुज़श्ता 20 साल से लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें क्या मेन मसाइल हैं जो साइल एक आस उम्मीद लेके लॉयर से आते हैं और वो डिलीवर नहीं हो पाती? रियलिटी क्या है, मिथ क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, थोड़ा बताएं। काफ़ी तवील आपने सारी चीज़ों का एक जो इकट्ठा कर दिया उसको तो अगर हम इसको देखें तो मरहलावार अगर देखें तो ज़्यादा आसानी ये है कि शुरुआत तो वहाँ से होती है जब लोग आपके पास आते हैं कोई मसला लेके। तो बुनियादी तौर पे ये होता है कि आप किसी ना किसी अमूमी तौर पे जो लोग हैं गलत एडवाइस के ऊपर चल रहे होते हैं। एक वकील के पास आने से पहले लोग जो है जनरली एक एडवाइस लेके आ गए होते हैं किसी नॉन लॉयर से, और फिर उनका इसरार ये होता है, उनकी कुछ आम तौर पे जहन कुछ ऐसा बन गया होता है कि नहीं, जो मैं बात पूछ के अपने किसी वाकिफकार से, मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए। ये लोग नहीं चाहते कि कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट होनी चाहिए। आप इंसाफ लेने के लिए भी चाहते हैं कि आपको प्रोसीजर को बाईपास करें और प्रोसीजर से हट के मुझे कुछ अलहदा से ही आप मुझे कुछ करके दें, जहाँ से अमूमी तौर पर जहाँ से बिगाड़ पैदा होता है, क्योंकि बात मसाइल से शुरू हुई है तो मैं मसाइल से ही बात करता हूँ। बिगाड़ को सुधारने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप खुद इस फहम के साथ आए कि जो आपका हक बनता है आप अपने हक का ही तकाजा करें। आपकी एक्सपेक्टेशंस भी वही होनी चाहिए जो हकीकत पर मबनी है। तो जब आप गलत उसकी एक तवक्कुआत से शुरू करते हैं अपना सफ़र, तो फिर वो एक मायूसी और एक सिस्टम से जो है होती है, ये एक तरफ की बात है। बिल्कुल इसी तरफ से दूसरी तरफ जो होती है वो इसको प्रोलॉन्ग करना चाह रही होती है, जो अमूमी ख़राबी जिसकी आप बात करते हैं, जिसमें सिस्टम सही तरह से डिलीवर नहीं करना चाह रहा कर पा रहा होता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोग जो है इंसाफ के पहिए को चलने नहीं देना चाह रहे, ना वो मुदई बन के ना वो मुलजिम बन के, जहाँ से ख़राबी पैदा होती है। दूसरी तरफ आप देखें अगर, तो हम लोगों की तरफ से भी ये होता है कि हम एडवाइस जब कर रहे होते हैं, हम कोशिश होती है कि आप अपने जो क्लाइंट है उसको सही पिक्चर बताएं, लेकिन जब उसका इसरार बढ़ जाता है तो लोग, क्योंकि जो पे कर रहा है वही मास्टर है, इसी बुनियाद के ऊपर जो है उसकी गलत उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फिर सिस्टम में मज़ीद ख़राबी आती है। तो समझने की ज़रूरत ये है कि आप इंसाफ लेने आए हैं तो जो आपका हक बनता है पहले आप अपने हक़ को जो हकीकत पे तस्लीम करें, बिला वजह दूसरों की आप ना ये समझें कि मैं दूसरे को तंग करके, ये जो एक आप एक नफ्सियाती रवैया कह लें जो एक अमूमी तौर पर बन गया है मुआशरे का, वो ये है कि वो दूसरे के मामला के अंदर जो है दूसरे को अजियत पसंदी की तरफ कुछ ज़्यादा चला गया। लोग लिटिगेशन इसलिए करते हैं, इनको जलील कर दो, केस को बहुत लंबा कर दो। जब आप इस रवैये के साथ आएंगे तो फिर जो है अमूमी, जब आप इज्तमाही तौर पर देखते हैं तो वो एक बिगाड़ का बाइस बनता है।